हेलो दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों, आज अपने पास मैक्स पिकअप आया है। इसमें डीजल टंकी फिट है, तो इसको पेंट का काम करेंगे। तो आपको गाड़ी का कंडीशन दिखाते हैं। गाड़ी केबिन मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। तो ये टंकी है, टैंक है बड़ा, इसमें डीजल ले जाते हैं। और उसके बाद इसको अपन पूरा घिसाई करके इसमें पेंट का काम करेंगे। तो ये है गाड़ी का जहाँ तहाँ पूरा पेचिंग हुआ है। डोर में भी है, डीआई पल्ला भी है, और ये डैशबोर्ड देख सकते हो आप सामने का, इसमें भी पूरा डैमेज है, बोनट है पूरा। तो इसमें पेंटिंग का काम करेंगे। ये थोड़ा बहुत डेंट का काम बचा था, उसको लड़का कर रहा है। ये सब हो चुका है रिपेयरिंग। और सामने वाइजर नया डालेंगे, हेडलाइट वुडलाइट सब नया डलेगा इसमें। ये डोर है, डोर भी पूरा डैमेज है। ये डस्ट सामने का है, और ये बोनट है पूरा ठोका हुआ है, असल में फटा हुआ है। अभी इसको बाद में और कराएंगे। पूरा बोनट में स्क्रैच है। तो ये अपना पुट्टी का काम चालू है, पुट्टी का काम कर लिए हैं लगभग। प्लास्टर पुट्टी भी हो गया है, लूज पुट्टी भी डाल दिए अपन इसमें। अब इसमें पेंटिंग का काम करेंगे। अब इसमें अपन पेंट चढ़ाएंगे, अब डायरेक्ट इसमें दो कोट। क्योंकि पहले भी हो चुका है इसमें, तो इसका पेंट का मोटाई ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसमें अपन बेस अंदर कोट नहीं चढ़ाएंगे, डायरेक्ट इसमें पेंट चढ़ाएंगे। तो टैंक में भी पुट्टी डाले थे और स्टिकर लगा हुआ था इसमें बहुत ज़्यादा, तो सारे स्टिकर को उखाड़ दिए हैं। तो जहाँ जहाँ डैमेज था वहाँ वहाँ पे अपन पुट्टी लगाए हैं। एक घिसाई भी हो चुका है और कुछ घिसाई करने के लिए बचा हुआ है। तो अब केबिन में ये अपन पेंट का काम चालू कर रहे हैं। अपना पेंटिंग का काम चालू कर दिया है केबिन में। पहले केबिन मारेंगे, फिर टैंक को मारेंगे। तो दोस्तों, अपना पेंट का काम चालू है, पेंट मार रहे हैं फाइनल। तो आप देख सकते हैं इसमें अपन फाइनल कलर चढ़ा रहे हैं केबिन में। फिर उसके बाद इसका टंकी को भी करेंगे। टैंकर है बड़ा वाला, पीछे लगा हुआ है इसका, मतलब शायद ये गाड़ी बनाया गया है इसको डीजल उजल सप्लाई करने के लिए। इसमें अपन दो कोट कलर चढ़ाएंगे, फाइनल कलर दो कोट मारेंगे, ताकि कि अच्छे से फिनिशिंग आए।
तो ये डोर है, डोर में भी अपन पेंट मार रहे हैं। इसमें दूसरा कोट चढ़ा रहे हैं अपन पेंट, फर्स्ट कोट हो चुका है, अब दूसरा कोट लगा रहे हैं। गाड़ी भी बहुत पुराना मॉडल है ये, इसमें बहुत ज़्यादा जंग लग गया था रखे रखे। इसका चेसिस को भी अपन पेंट मारेंगे, ब्लैक करेंगे चेसिस को। केबिन का काम हो चुका है, अब टंकी में मार रहे हैं, टैंकर में। तो इसमें भी अपन दो कोट लगाएंगे, टैंकर में भी।
अपन केबिन को ढक दिए हैं, केबिन को एक दिन पहले मारे हैं और पीछे साइड को टैंक को दूसरा दिन पेंट कर रहे हैं अपन। तो केबिन अपन ढक दिए हैं ताकि इधर का जो भी मतलब उड़ के जाएगा कलर वो पड़ेगा नहीं केबिन में। अगर नहीं ढकते तो फिर उसमें टैंक को मारते हैं तो उधर जाने के बाद फिर उसमें रफ आ जाता है, इसलिए उसको ढक दिए हैं और इधर पेंट कर रहे हैं। टंकी को मारने में टैंक को नीचे साइड में दिक्कत हो रहा है क्योंकि चेसिस के ऊपर असेंबल है तो नीचे बहुत ज़्यादा झुकना पड़ रहा है। तो झुकने के बाद भी मतलब गन का जो फोर्स है वहाँ तक नहीं जा रहा है। कोट हो चुका है, अब इसमें दूसरा कोट लगाएंगे, टंकर में भी लगाएंगे दूसरा कोट। ऊपर में इसी टाइप से पूरा जंग लगा हुआ था। क्या है कि इसमें इसको प्लेन बना दिया है इसलिए इसमें पानी रुक जाने की वजह से कलर यहाँ का ख़राब हो जाता है जल्दी। इसको थोड़ा सा पेपर बनाना था ताकि ढलाव रहने से पानी इसमें नहीं रुकता, इस वजह से ये बॉक्स का जो ऊपर का हिस्सा है ना उसमें जंग लग जाता है पूरा। गाड़ी को धोते भी होंगे तो पानी उसमें बैठा रहे। Thank you.
ये हमारा टैंकर का काम फाइनल हो चुका है। पेंटिंग का आप देख सकते हो, चारों तरफ से आपको दिखा रहा है, ये कंप्लीट हो चुका है। पेंट होने के बाद इस टाइप से दिख रहा है। सामने फिटिंग भी हो गया है, केवल मेन गिलास बचा है, जो कि मेन गिलास आएगा तो फिर लगाएंगे। अभी आया नहीं है मेन गिलास। बाकी गाड़ी फिटिंग भी कर दिए हैं और इधर नीचे चेचिस को ब्लैक पेंट मार दिया अपन। बाकी टंकी को हल्का सा, टैंक को वाइटनेस रखे हैं। अब बाकी इधर डायमंड वाइट मारे हैं अपन। तो गाड़ी बहुत सुंदर दिख रहा है, नया के तरह दिख रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कोई नई गाड़ी के साथ।